नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम नंबर वन कार्यक्रम आर पार। अच्छा रुको जरा, सबर करो। उदित राज जी देखिए, अमित देवगन जी, अमित उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। अरे हाँ भाई हाँ, मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। आप गाली देने लायक है जब तक मैं नहीं, क्यों 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 हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? यार इसीलिए कहते हैं कि अपना जो काम होता है ना उसी को करना चाहिए, वरना ऐसा ही जलील होना पड़ता है। नहीं अगर पैसा कमाना ही सब कुछ है तो फिर वैश्यावृत्ति ऐसे पत्रकारिता में क्या ही फर्क है? अपने पर्सनल होठों से सही बोल रेला है तू। अच्छा अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जरा देख लीजिए। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। क्या बात कर रहे हैं, वाकई में नहीं। देश भर में बीफ बैन का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन तीन कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। बाबू अब क्या होगा इन भक्तों के सेंटीमेंट का, गाय के भक्षकों से ही गाय की रक्षा करने वाले चंदा लेने लगे हैं। साजिब आप ही बधाई दे दीजिए। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। बस गजब बेइज्जती है। अच्छा भाई कई दफा आप अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे कि जो टपोरी होते हैं वो किस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और झगड़ते रहते हैं, लेकिन अब ये सब चीजें सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रही है, अब तो ये विधानसभा जैसे जगहों में भी होने लगी है। मैं नहीं मानता। सबूत दिखाया जाए। भाई मैं तो अकेले ही हूँ और अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाना है। ठीक है क्रिकेट खेलना है, पहले बॉल में कैच आउट हो रहे हैं लेकिन वहाँ से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह एक छक्का मारते ना तो कहते नहीं छक्का मार दिया, तो ऐसे ही छक्के हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए और फिर बोले कि मैं तो वो हूँ जो अकेला आया हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियाँ हुआ करती हैं। तो भाई ये है हमारे देश के नेता जो विधानसभा में बैठ के एक दूसरे के लिए अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनसे क्या ही उम्मीद किया जाए कि एक सभी समाज बनाएंगे? वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।